Let us start the session today. Today we are going to start session number 7 of chapter number 3, Playing with Numbers. In this session, we are going to learn about prime factorization. So let us start first topic, prime factorization. Prime factorization of a number is to write the number as a product of factors, which are all prime numbers. कोई भी नंबर को हम लोग फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे, बट वो सारे फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम गोइंग टू टेक एट. एट वी कैन राइट 2 × 4, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, बट वी कांट राइट 4 बिकॉज 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट 2 × 2 बिकॉज 2 इज ए प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स. सो 8 को हम लोग कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, 2 × 2 × 2. ओके, एंड सिमिलरली बाय आवर कन्वेंशन द फैक्टर्स आर लिस्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग फैक्टर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं. जैसे 60, 60 का फैक्टर. और फैक्टर्स लिखने के दो तरीके हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड्स है, एक फैक्टर थ्री ट्री है मेथड और एक डिवीजन मेथड है. बोथ मेथड आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द 60. 60 वी कैन राइट 2 × 2 × 3 × 5. देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये हमारे कन्वीनियंट के लिए हम लोग लिखेंगे. अदरवाइज इफ यू राइट 3 × 2 × 5 × 2, देन ऑल्सो द आंसर इज करेक्ट. बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी यूज टू राइट द फैक्टर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, सो ऑल दो वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वी नो दैट वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बट वी विल नॉट इंक्लूड वन इन द प्राइम फैक्टराइजेशन. वाई? बिकॉज वन इज नॉट ए प्राइम नंबर. इज दैट क्लियर? वन को हम लोग क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वन प्राइम नंबर नहीं है. राइट, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. सो देर आई टोल्ड यू दैट देर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. वन इज फैक्टर ट्री मेथड एंड द सेकेंड वन इज डिविजन मेथड. सो वील सी वन बाई वन. सो फर्स्ट मेथड देखते हैं, यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड. सो 120, 120 वी कैन राइट एज 30 × 4, राइट, 30 × 4. अगेन दिस 30 वी कैन राइट 5 × 6, और 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं ऐसे. ओके, अगेन अगर प्राइम नंबर मिल रहा है तो उसको एज इट इज रिपीट करना है. सो दीज आर प्राइम नंबर्स, जिसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं. सो अभी मैं 6 को स्प्लिट करूंगा कैसे, 2 × 3. ओके, बाकी सारे नंबर्स को एज इट इज लिखेंगे. सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120. इसको अब हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 5. ओके, सो इसको हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं. 120 वी कैन राइट 8 × 15 ऑल्सो. अगेन 8 वी कैन राइट 2 × 4, और 15 वी कैन राइट 3 × 5. ओके, नाउ सी आउट ऑफ दिस थ्री फोर नंबर्स द अंडरलाइन नंबर्स आर प्राइम नंबर्स एंड 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर. सो वी विल स्प्लिट 4 अगेन 2 × 2, एंड अदर्स वी विल रिपीट एज इट इज. सो दिस इज द आंसर, 2 × 2 × 2 × 3 × 5. सो राइटिंग द प्राइम फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर वी विल गेट दिस वन. ओके, सो दिस इज द आंसर. एनी डाउट हियर दिस मेथड? नो सर. नो सर. फाइन, सो नाउ द अनदर मेथड इज डिविजन मेथड. डिविजन मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखो वी हैव टू स्टार्ट द डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बाय विच द गिवन नंबर इज डिविजिबल. जैसे अगर कोई 2 से डिवाइड हो रहा है, 122 से डिवाइड हो रहा था. सो 120 को हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे, राइट. देखो 120 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, सो कितना मिलेगा, 60. 60, राइट. सो अगेन 60 इज डिविजिबल बाय 2. अगेन यस 60 इज यस डिविजिबल बाय 2, राइट. फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या मिलेगा, 30. सो 30 फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है. नो सर. सो इफ यू डिवाइड व्हाट यू विल गेट,
फिफ्टीन 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 किससे डिवाइड होगा? थ्री से, थ्री फाइव जर, ओके, थ्री फाइव जर। सो लास्ट देखो, वन तक आने तक हम लोग डिवाइड करेंगे, अदरवाइज यू कैन लीव। अगर लास्ट नंबर प्राइम नंबर आ रहा तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे? अगर यहाँ तक छोड़ रहे हैं तो यहाँ तक लिखना है ऐसे। इफ यू आर राइटिंग अप टू वन, सो यू हैव टू राइट ओनली दिस नंबर, ओके? सो दैट इज टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव। नाउ विल सी वन मोर एग्जाम्पल, 1470। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय टू, सो डिवाइडेड बाय टू व्हाट यू आर गेटिंग? सेवन थर्टी फाइव, ओके? 735 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, सो विल डिवाइडेड बाय 3, 735 को। सो 735 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2, 4, 5, 245। 245 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 बिकॉज द सम इज 11, सम ऑफ डिजिट्स, सो विल डिवाइडेड बाय 5। सो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 49। सो 49 किससे डिवाइड होगा? सेवन सेवन से, राइट? तो हम लोग यहाँ पे रोक सकते हैं, बिकॉज सेवन सेवन जर 49 एंड सेवन इज द प्राइम नंबर। यू कैन स्टॉप हियर ऑल्सो। सो वेन यू स्टॉप अप टू हियर, यू हैव टू राइट प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन एज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। नहीं, अगर वन तक करना है तो वन तक करोगे तो फिर ये वाला लिखना पड़ेगा। दिस यू हैव टू राइट ओनली दिस पार्ट। दिस या सर, व्हेन वी आर लाइक 2 इनटू 3 इनटू 5 इनटू 7 इनटू 7 इनटू 1, वन वी विल नॉट राइट, ओके सर, बिकॉज वन इज नॉट ए प्राइम नंबर, ओके? ऑलरेडी आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्लाइड, ऑल्दो वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बट वी विल नॉट राइट वन बिकॉज वन इज नॉट ए प्राइम नंबर। वी विल राइट ओनली प्राइम नंबर, ओके? सो फर्स्ट वन, फर्स्ट वन, फर्स्ट वन वी विल राइट एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड द सेकेंड वन वी विल राइट 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ओके? दिस इज द वन एग्जाम्पल। सो विल सी वन मोर एग्जाम्पल, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। सो 980 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट प्लेस डिजिट 0 है। इवन इट इज डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो, इवन इट इज डिविजिबल बाय 7 also, but we will start from 2, okay? We'll start from 2. So if you divide it by 2, what you will get? 490. Very good, 490, 490. Again, 490 mein last unit place digit 0 hai. So again, that number will be divisible by 2. So we'll divide it by 2, 490. What you will get? 245. Very good, 245. अभी 245 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा। 3 से क्यों डिवाइड नहीं होगा? क्योंकि 2 प्लस 4 प्लस 5 11 होता है, सो दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो विल डिवाइड इट बाय 5, सो व्हाट यू विल गेट? 49। वेरी गुड, 49, 49 अगेन, 49 इज 7, 7 जर 49। तो यहीं तक रोक सकते हैं, अदरवाइज यू कैन प्रोसीड विद वन मोर स्टेप, राइट? अप टू वन। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर लास्ट नंबर प्राइम नंबर है तो वहीं पर रोक सकते हो, अदरवाइज वन तक जा सकते हो। अगर वन तक जा रहे हैं तो ये वाला नंबर जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे। सो व्हाट इज द, या सर, इफ यू आर नॉट राइटिंग वन, देन वी शुड राइट 2 इनटू 2 इनटू 5 इनटू 7 इनटू 7। सी, आई विल शो यू। सपोज यू आर नॉट राइटिंग वन, यू डोंट वॉन्ट टू राइट वन, सो वी गॉट 7 इज द लास्ट नंबर, 7 इज द प्राइम नंबर, सो वी विल राइट इन दिस वे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। क्लियर गीतम? क्लियर? यस सर। ओके फाइन, नाउ अभी तो 1 तक लिख लिए हैं, तो ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। So this is the required answer. Okay. So any doubt in this question? No sir. Okay. No, sir. Now we'll move towards another very important question. In which of the following expressions
प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. सो विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन. देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में सारे प्राइम नंबर्स है क्या? चेक. नो सर. विच वन इज नॉट ए प्राइम नंबर? फोर. यस. सो दिस इज रॉन्ग. ओके, तो ये नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ इसमें. व्हाई? बिकॉज फोर इज नॉट ए प्राइम नंबर. यस सर. राइट. नाउ द सेकेंड वन, क्या इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है? नो सर. व्हाई? व्हाई सर? बिकॉज देयर इज वन. यस, वन इज नॉट ए प्राइम नंबर. वन इज नॉट ए प्राइम नंबर. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट वन, 2 इनटू 5 इनटू 7. यस सर. यस, ऑल आर प्राइम नंबर्स, दैट इज व्हाई प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन. व्हाट अबाउट द लास्ट वन? नो सर. नो सर. Why? Yes, sir. Because 9 is not a prime number. Very good. Because 9 is not a prime number. Okay. So the correct answer is only third one. Okay. Right. So now we are moving towards another topic, some more divisibility rule. Now see, if a number is divisible by a number, then it is divisible by each of the factors of that number. This we know. Suppose 24, if you take an example of 24, 24 को हम लोग लिख सकते हैं, what are the factors of 24? 1, 2, 4, 3. Okay, fine. Wait. ये statement पहले समझ में आया कि नहीं? If a number is divisible by a number, then it is divisible by each of the factors of this number. So, I'm giving an example. Suppose 24, consider 24. 24 is divisible by 8. Okay? 24 is divisible by 8. Now, 24 is divisible by all the factors of 8. Now, the factors of 8 are 1, 2, 4, 8. Is that clear? This is the first divisibility rule. Extra rule hai ye. Abhi second rule pe aate hum log. Suppose if a number is divisible by two co-prime numbers. If a number is divisible by two co-prime numbers, then it is divisible by their product also. Example. Suppose we'll take an example, 80. 80 is divisible by 4 and 5. And 4 and 5 are co-prime numbers. So it is also divisible by its product. What is the product of 4 and 5? 20. ठीक है, तो 80 जो है वो 20 से भी डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल. विल सी वन मोर एग्जांपल. सपोज 60 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 व्हिच आर को प्राइम नंबर्स. सो 60 इज आल्सो डिविजिबल बाय इट्स प्रोडक्ट, दैट इज 3 इनटू 5. व्हाट इज 3 इनटू 5? 15. राइट. सो 16 इज आल्सो डिविजिबल बाय 60 इज आल्सो डिविजिबल बाय 15. ओके, सो दिस इज द सेकंड रूल. Now third rule pe aate hain. If two given numbers are divisible by a number, right? If two given numbers are divisible by a number, then their sum is also divisible by that number. It's very easy question. Jaise ek example dekho, 16 4 se divide ho raha hai. Yes sir. 20 is also divisible by 4. What is the sum of these two? 36. Right. So 36 also divisible by 4 according to this rule. We'll see one more example. Suppose 25 and 45. 25 and 45 are both divisible by 5. So the sum of these two numbers. What is the sum of 70. These two numbers? Yes. 70. 70 is also divisible by 5. Okay. Ab ye sum wala property raha. The same is applicable for difference also. Okay. The same is applicable for difference also. If two given numbers are divisible by a number, then their difference is also divisible by that number. So we'll take two example here also. 36 and 20 are divisible by 4. So what is the difference of these two? 36 minus 20. 16. So 16 is also divisible by 4. We'll take one more example. Suppose 55 and 20, 30 are divisible by 5.
So the difference of these two number is also divisible by 5. What is the difference? 25. 25, right. So 25 is also divisible by 5. Okay, so these are the four extra divisibility rule. Now let us start the exercise, exercise 3.5. First question, which of the following statements are true? First question, if a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. I think yes, sir. Wait. Let me give one example. No, sir. I'm taking one example, 15. Okay? 15 is divisible by 3? Yes, sir. But whether 15 is divisible by 9? No, sir. No. No, sir. So this rule is not applicable. False. So this is false. I'm writing F for false. Okay? Next, if a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. So, yes. We'll take one example. Suppose 45. 45 is divisible by 9. Okay, 9 fives are 45. Now 45 is also divisible by 3 because 4 plus 5 is 9 and 9 is divisible by 3. So this statement is true. Next, a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 12. This is also false. It's false. Wait. True. I will give one example. This is false. See, 12. 12 is divisible by 3 also. Divisible by 6 also. But to whether 12 is divisible by 18? No, sir. No. So, it galat ho gaya na, agar koi number 3 or 6 dono se divide ho raha hai. So, it is not necessary that it is divisible by 18. Right. So, C is false. Right, now let us move towards the next question, D. If a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. No, sir. Yes. True. Yes. True. Because just now we have seen that 9 and 10 are two co-prime numbers. So if a number is divisible by two co-prime numbers, then it is divisible by their product also. That is 9 into 10. So, the answer is true. Next, true. If two numbers are co-primes, at least one of them must be prime. False. False. Take an example of 9 and 10 only. 9 and 10 are both co-prime numbers, but both are not prime numbers. Okay, both are composite numbers. Next, F. All numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. False. You false. Take one example, 12. Sir, can I tell one example? Chalo, main batane ke baad ek example bata dena. 12 is divisible by 4, but not divisible by 8. Now you tell another example. Sir, 4 is divisible. Sir, 20 is divisible by 4, and 8 is not divisible by 24. Uh-huh. 20. No, 20 is not divisible by, ulta bol raha hai. 20 is divisible by 4, but 20 is not divisible by 8. Okay, your example is correct. Right, G-bit. All numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. Yes. True. Take an example of 16. 16 is divisible by 8. 16 is also divisible by 4. Whatever the multiples of 8, all are divisible by 8 and that also divisible by 4 also. Okay, now H. If a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum. Question is clear? No, sir. If a number exactly divides two numbers separately, for example, 16 and 20, 4 divides 16 also, 4 divides 20 also. So, it must exactly divide their sum. 20 plus 6, 16. 36. So, that is true. Okay? Clear? This is true. Clear, sir. Ek minute, hum log, ye false tha, aur ye true tha, aur ye true hai. Ab last wala. If a number exactly divides the sum of two numbers,
it must exactly divide the two number separately. False. एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, देखो. नाउ सी व्हाट इज 4 प्लस 6? 10. नाउ सी द सम ऑफ दिस टू नंबर इज डिविजिबल बाय 5. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट वेदर दिस टू नंबर्स आर आल्सो डिविजिबल बाय 5 सेपरेटली. नो सर, नॉट नेसेसरी. यही है स्टेटमेंट. इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स दैट इज 10, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दोनों का सम अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों नंबर भी 5 से डिवाइड होगा. सो फॉल्स और ट्रू? फॉल्स. राइट. सो वेदर दिस एग्जाम्पल इज क्लियर? अदरवाइज आई विल गिव वन मोर एग्जाम्पल. यस सर, क्लियर सर. ओके, फाइन. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2. Here are two different factor trees for 60. Write the missing numbers. See, 60 is 6 into 10. 6 is 2 into dash. What should be here? 3. Right, 3. 10 is 5 into dash. 1. Right. 2. Okay. 2. Next, 60 we can write 30 into dash. 2. 2. Right. 2. 30 we can write 10 into dash. 3. Right. 3. 10. 5. 10. 2 and 5. 5. Right. 2 and 5. 2 and 5. Okay. This question is over. Now we'll move towards the next third question. Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? 1 and the number itself are not included in the prime factorization of a composite number. Right? Now, sixth question. We are doing sixth question first. Fourth or fifth, iske baat karenge. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now, state the reason, relation, if any, between two consecutive prime factors. Right? So, let us divide 1729. It is divisible by 7 first. Okay? So, we will divide it by 7. So 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 247 मिलेगा. नाउ 247 इज डिविजिबल बाय 13. इफ यू डिवाइड इट बाय 13 यू विल गेट 19. नाउ विल स्टॉप. आई टोल्ड यू अगर प्राइम नंबर मिल गया तो रुक सकते हो. तो 7 इंटू 13 इंटू 19 वी कैन राइट. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. 13 माइनस 7 6. एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू? 6. So, यहीं पे पूछा है. देखो, स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स. इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला. तो इसका भी डिफरेंस 6 है और इसका भी डिफरेंस 6 है. राइट, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6. सो दैट इज द कंक्लूजन. हेंस द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. मैंने कहा था कि 6th के बाद 4 5 करेंगे. Write the greatest four digit number and express it as product of prime factors. So first of all, you tell me what is the greatest four digit number? 9999. Right, 9999. Fine. Now we are going to factorize. Okay, इसको divide करेंगे हम लोग. So ये first हम लोग किसे divide करेंगे? 3 से divide करेंगे. So 3, 3, 3, 3, all 3 we will get. Again, we have to divide it by 3. So we'll get 1111. वो 11 से divide होगा. 101. So यहीं पे रोक सकते हैं क्योंकि 101 जो है वो prime number है. Okay? So we can stop here. Otherwise also fine. So the prime factorization is 3 into 3 into 11 into 101. This is the answer. Okay, now we are moving towards fifth question. Write the smallest five digit number and express it as product of prime factors. So what is the smallest five digit number? The 10,000. Yes, 10,000. Right. 1 lakh is the smallest six digit number. Okay, so now we are going to divide 10,000 by 2 first. So we'll get 5,000. Fir 5,000 ko fir 2 se divide karenge. So we'll get 2,500. फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1,250. अगेन वी विल डिवाइडेड बाय 2.
625 अब 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग, सो वी विल गेट 125, अगेन वी विल डिवाइड इट बाय 5, सो 25 मिलेगा. 25 होता है 5 इंटू 5. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,000 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू दिस इज 2, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स 2 है और 4 टाइम्स 5 है. इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. वन ऑल्टरनेट मेथड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, राइट? यू कैन डू बाय दिस मेथड ऑल्सो. सी 10,000 वी कैन राइट 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10. नाउ 10 यू कैन राइट 2 इंटू 5. एवरी 10 यू कैन राइट 2 इंटू 5. नाउ यू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. फर्स्ट यू राइट ऑल टूज, देन ऑल फाइव्स. सो यू विल गेट द आंसर. सो जितने भी जो 10,000 है, 100 है, 1,000 है, यू कैन यूज दिस मेथड. ओके फाइन. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेवेंथ क्वेश्चन. सिक्स्थ ऑलरेडी कर लिए. द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. सो विल टेक थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स 2, 3, 4. 2 इंटू 3 इंटू 4. सो 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना आ रहा है, चेक करो. Yes, 24. Yes, 24. So 24 is divisible by 6. We can take any other consecutive number. 7, 5 into 6 into 7. So 5 into 6 is 30. And 30 into 7 is 210. 210 is divisible by 6. So these two examples we can write here. Okay, now question number 8. The sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify this statement with the help of some examples. कोई भी two odd numbers, consecutive odd numbers, जैसे 3 और 5. What is 3 plus 5? 8. 8. 8 is divisible by 4. Okay. Now yes, take any other two consecutive. 7 plus 9. 16. 16. 16 is divisible by 4. You can take any other example. 11 plus 13. 24. 24 is also divisible by 4. Or 13 plus 15. 28. 28 bhi 4 se divide hota hai. So, ye teen examples hain. 5 plus 3 is equals to 8. 7 plus 9 is equals to 16. 16 is divisible by 4. And 13 plus 15 is equals to 28. 28 is also divisible by 4. Okay, so now we are moving towards the next question. In which of the following expressions prime factorization has been done? Similar question, same question abhi kiye the, lekin ek chota sa change hai tha usme. So first question mein dekho 4 hai, first bit mein. 4 is a composite number, so 24 is equals to 2 into 3 into 4, इसमें prime factorization नहीं हुआ है, right? And the second one, see B bit, all factors are prime numbers, so prime factorization has been done. Now the third one, C, इसमें भी सारे जो factors हैं prime factors हैं, so this is also correct prime factorization. Now the last one, 9 is not a prime number, it is a composite number. So the prime factorization has not been done. So this is 9th question. Now we are moving towards the 10th question. Determine if 25,110 is divisible by 45. So hum log kya karenge? 45 ko main abhi split kar raha hu 5 aur 9, do co-prime numbers mein. Aur check kar raha hu ki ye 5 se divide ho raha hai ki nahi. और 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं. अगर ये 5 और 9 दोनों से डिवाइड हो गया तो 45 से डिवाइड होगा, राइट? क्योंकि वी हैव वन प्रॉपर्टी दैट इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू को प्राइम नंबर्स देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो. सो नाउ वी विल चेक वेदर, फर्स्ट वी विल राइट दिस प्रॉपर्टी. इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द टू को प्राइम नंबर्स इट मस्ट बी डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट. So it is divisible by 5 because the unit place digit is 0. Divisibility test 5 ka kya hota hai? Unit place mein ya to 0 hona chahiye
या तो 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 है, सो दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5. नाउ फॉर डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9, वी हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स, 2 + 5 + 1 + 1 + 0. 9 आ रहा है, यस, वेरी गुड. सो 9 इज डिविजिबल बाय 9. So the sum of the digits is divisible by 9, the number is also divisible by 9. Now 5 and 9 both are co-prime numbers. So therefore the number 25,110 is also divisible by their product, that is 45. So this is how we have to check the divisibility by 45. Okay. So now we are moving towards 11th question. 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 2 into 3, that is 6. Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divisible by 4 into 6 is equals to 24? If not, give an example to justify your answer. So my answer is no, because take one example, 12. 12 is divisible by 4 also, 6 also, but not divisible by 24. Okay, you can take one more example, 60. 60 is divisible by 4 also, 6 also, but not by 24. So, hum logo keval koi ek hi example dena hai yahan par for our justification. Right, no, it is not necessary. Kabhi kabhi ho sakta hai kuch numbers mein. Example, take the number 60. So it is divisible by both 4 and 6, but not divisible by 24, its product. So this is question number 11. Now we are moving toward the last question of the exercise, that is 12th question. I am the smallest number having 4 different prime factors. Can you find me 4 different prime factors? Chote chote prime factors. 2, 3, 5, 7. Right. So the 4 different prime factors are 2, 3, 5 and 7. So the smallest number having these 4 prime factors is 2 into 3 into 5 into 7. 7. So, isko multiply kaise karenge? 2 into 5, 10. 3 into 7, 21. So 21 into 10. 210. Right. 210. So this is the last question. Now we are moving towards the next section, assignment questions. So first 5 questions, multiple choice questions hai. Then second, third, fourth. So I will post through Google Classroom. So that's all for today's session. Thank you. Thank you very much.